हम एक जगह पे आए हैं जिसका नाम है भाई ऑटो डायमेंशन। ऑटो डायमेंशन जगह पे आए हैं जिसका काम क्या है वो ऊपर दिखा दो भाई बोर्ड पे लिखा है, ऑडियो डिटेलिंग कस्टम और पीपीएफ, मतलब सारा काम ऑल इन वन एक ही जगह पे हो। बाकी अब वीडियो इस वाली को करते हैं बंद और कट टू सेकंड। ये आ गई भाई स्कॉर्पियो, लो भाई देख लो सबकी फेवरेट कार, माफिया कार, जाट गुजर जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं सबकी फेवरेट गाड़ी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो If I am not wrong। हाँ अरे भाई ये गाड़ी अगर आपने अंदर से देख ली, इसमें भी अलॉय और वो कितने के लगे हुए हैं, 22 इंच के लगे हुए हैं। थे हम थे भाई स्कॉर्पियो पे, तो इसका बाहर से और वो सब तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, बस ये अलॉय बस अलॉय और ये लाइटें वाइटें जो बने हैं। अच्छा अच्छा इसमें क्या हुआ है बता दो थोड़ा सा। हेडलाइट में जो भी प्रोजेक्टर वगैरह डाले हैं इसके डबल। अच्छा तो भी कोई कंपनी वंपनी के डाले हैं कैसे? कौन सी के? एक्सपी का। अच्छा उसके भाई प्रोजेक्टर ये इसमें लगे हुए हैं, एक बार चला के आप दिखा दो प्रोजेक्टर भी है ना। ये भाई वो नई वाली है क्लासिक जो कितने वो जला रहे हैं, ये वेयर हाउस दिखा दो। ये देख लो भाई ये है पूरा ऑटो डायमेंशन का वेयर हाउस अपना, बढ़िया सा। हाँ ये देख लो भाई ये नीचे वाली क्या फॉग है ना, फॉग है ना ये, इसमें एज्यूम की एलईडी है। अच्छा एज्यूम की एलईडी लगी हुई है, डीआरएल लगी हुई है, इसमें जो आरजीबी लाइट लगी है प्रोजेक्टर में रेड रेड कलर की। अच्छा चला आगे दिखाना एक बारी, ये जल रही है आपकी रेड वाली। अच्छा खाली प्रोजेक्टर में। अच्छा अच्छा वैसे है, अरे क्या बात है, थ्रो देख लो भाई, वो तो रात में ज़्यादा आइडिया होगा इसका पता लगेगा, बाकी अभी देख लो ऐसा है कुछ। बाकी दूसरी चीज़ जिसको भाई ये इतना यूनिक बनाती है वाली स्कॉर्पियो वो तो अभी अंदर चलते हैं है ना, पहले पीछे से काम चालू करो, खोलो ये खोलो वो मोहित भैया डिक्की खोलो यार, ये देखो भाई अब ये क्या है क्या चीज है भाई, नॉर्मल बंदे को तो ये समझ नहीं आएगी, तो अब जो मेन बंदे हैं भाई वही बताएंगे। इसमें जो सेटअप हो रखा है ये नीचे वाले जो है ओके तीनों फोर चैनल है। अच्छा ये 200x4 है और ये ना 175x4 है। अच्छा ये दोनों सेम है, ठीक है, अलग है। और इसका काम क्या होता है? ये स्पीकरों के लिए है खाली। अच्छा स्पीकर और टूटर के लिए है, ठीक है। ये चार जो हो गए ये अपने मोनो है। हाँ ये, हाँ, ये 5000 आरएमएस का सिंगल मोनो है। अच्छा 20000 आरएमएस का। अच्छा 16 ये बूफर, ये स्पीकर है, स्पीकर। बंदे भाई जो करोल बाग से देख रहे होंगे वो सब समझ गए होंगे क्या काम हो रहा है। 16 मिड डलेंगे। अच्छा ये चार पीछे हैं बाकी सब आगे डलेंगे। अच्छा ये जो आप कह रहे हो सनडाउन ऑडियो इस कंपनी का कंपटीशन होता था ऑडियो है ना। और ये अपनी जो है आप नॉर्मल वो बोल सकते हो बैटरी। अच्छा लिथियम सेल आगे, इसमें भी आगे बैटरी है, इसमें चार बैंक है। अच्छा और भाई इतना बड़ा सेटअप है उसे कंट्रोल करने के लिए तो फिर तगड़ी चीज ही चाहिए ये चीज़ें। अरे यार ये देखो नॉर्मल बंदा भाई ये बात चीज़, अरे यार ये कर ये तू धीरे धीरे करके सारे राज खोल रहा है, एक बार अंदर ही चलो फिर खोलो भैया। हाँ करो भाई, ये स्कॉर्पियो नहीं आपने देखी होगी भाई बड़ी ज़बरदस्त। मैं एक बार ना फ्लैश करता हूँ, वीडियो को बंद करता हूँ। ये देख लो भाई लाइट वाला पूरा ऐसा सेटअप हो गया। ये अंदर क्या लगे एक बार बता दो फिर पीछे बताएं। ये आगे जो कलर की ब्लैक ट्यूटर है। क्या है ये? ब्लैक ट्यूटर। अच्छा सेंडो। अच्छा ये अपने भाई जो क्रेटर में आपको दिखाते। अच्छा ये वो लगे हुए हैं सनडाउन के मेन। ठीक है ठीक है, ये क्रेसेंडो का ब्लैक ट्यूटर हो गया और ये अपना भाई हॉर्न स्कूटर। अच्छा ओके भाई अब ये देख लो भाई, ये स्कॉर्पियो में सिर्फ 2 सीटें हैं। ये देख अब बताओ ये क्या है मोहित भाई, ये तो पीछे लगे हुए हैं ये 4 बूफर हैं सनडाउन ऑडियो के। अच्छा एक बूफर 18 इंची का है। अच्छा जी 18 इंची के टायर डलते हैं गाड़ियों में, ये बूफर लगा रखे हैं इन्होंने। क्या बात है भाई क्या बात है। अच्छा और ऊपर हाँ बताओ बताओ आप पहले बताओ। ये जो सी चल रहा है साउंड मेगा प्रोसेसर है। अच्छा अच्छा 12 चैनल।
और इसका जो सारा कंट्रोल ये देख लो भाई, ये सारा कंट्रोल वगैरह में से पावर विंडो के स्विच वगैरह सब स्विच वगैरह कुछ नहीं है इसका। वो यही शिफ्ट कर दिया भाई, नहीं कर ये मैं पहली बार ही देख रहा हूँ भाई ये चीजें। तो क्या है ये, ये सारे भाई डोर वाले और वाले स्विच सारे यहाँ शिफ्ट कर दिए, जैसे फार वार में नहीं होते वैसे वैसे वो यहाँ शिफ्ट कर दिए। ये क्या है, ये भी बताया तो बूफर है, 18 इंची के बूफर भाई साहब। बूफर ऐसा है कि इसके अंदर ही लग गया। क्या बात है, जबरदस्त सही बात है। और भाई इसमें ये देख लो सिर्फ दो ही सीटें हैं इस गाड़ी में स्कॉर्पियो में भाई, ये ऐसी दिखेगी नहीं तुम्हें ऑल इन, मतलब कहीं पे भी यूट्यूब में किसी ने दिखाई नहीं होगी ऐसी वाली गाड़ी स्कॉर्पियो। देख लो सामने सामने तुम्हारे गाड़ी है, इसमें सिर्फ दो सीटें और पीछे पूरा म्यूजिक का काम बहुत तगड़ा वाला। और इसमें कितना खर्चा आ गया होगा ये भी बता दो, कितनी पेटियां लग गई होंगी। 35 लाख रुपए का सेटअप लो भाई तुम्हारे सामने ही है भाई, 35 लाख रुपए का सेटअप है सनडाउन ऑडियो का। क्या सीन है, फिर सुना दे, फिर हो जाए फिर। हाँ बता दो, ये क्या जो कंट्रोल कर रहा है, ये कर रहा भाई जो कंट्रोलर है, इसे क्या कहते हैं, ये डीएसपी है। अच्छा डीएसपी कहते हैं, 12 चैनल है। डीएपी कहते हैं क्या कहते हैं, डीएसपी डिजिटल ऑडियो प्रोसेसर। अच्छा डीएसपी, अच्छा मतलब वैसे लेमैन की लैंग्वेज में ये कहते हैं इसे, ठीक है। लेकिन भाई ये ऐसे नॉर्मली वीडियो मैंने यूट्यूब पे, मैं काफी वीडियोस देखता हूँ काफी उनकी, वही तो मजाक से हट के भाई ये वाली स्कॉर्पियो तो मैं, ये देख लो क्या तगड़ा सिस्टम है भाई, मजे आ गए देख के। आप एक बार अंदर चले, क्या कह रहे हो, गाना ही चलो, बस तेज मत करना ज्यादा। अंदर बैठ के फिर कानों की हो जाएगी, ज्यादा तेज मत करना प्लीज। नहीं नहीं करो धीरे धीरे करके, क्या था भाई, क्या था लिटरली, ये देख लो साहब, ये कान में से चीची की आवाज आ रही है, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा सिस्टम, बहुत तगड़ा। ये क्या था भाई, ये तो मजे आ गए भाई इसे सुन के। ये देख रहे हो ना ये सारा टीन वीन सब हिलता है, वही बता पाएगा कि ये 35 लाख रुपए। ये है किसकी गाड़ी ये बताओ, ये ऐसा तगड़ा काम करवाने वाला कौन है ये? अच्छा अरे बाप रे, ये तो मजे आ गए। अच्छा उसमें भी अरे बाप रे यार, ये कान वानों की तो बत्ती गुल हो जाती होगी भाई साहब। टू सीटर वो भी, यहाँ भी बजा रहे हो? अरे यार बजाना फिर एक बारी हो जाए, फिर से पब्लिक डिमांड पे एक बार फिर से हो जाए। चलो इंग्लिश चलाओ फिर। हाँ बड़े तेज थे भाई, बड़े बेहतरीन, मजे आ गए भाई। ओए होए बाकी और काम की क्या ही जरूरत जब यही चीज इतनी तगड़ी लगी हुई है यहाँ पे, ये तो पूरी गाड़ी हिल जाती होगी। जो बंदा इसमें बैठता होगा भाई सल्यूट है उस बंदे को,
मजे आ गए भाई। ये गाड़ी जिसकी भी है बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और भाई जिसे भी ऐसा काम करवाना है भाई आ रहे हो बिल्कुल यहाँ पे, वो दे दे वार्निंग दे दे कि अभी जो पीछे गाने का थोड़ा वॉल्यूम कम करके सुने, क्योंकि उधर के स्पीकर हो। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये तो हम यहाँ उसमें कर रहे हैं अपने शोरूम में, बाकी घर पे वर में मत करना। इसमें भी कंट्रोल है ना, ये भी फाइबर का बना हुआ है। अच्छा, अरे भैया मैं तो कह रहा हूँ उस बंदे को सल्यूट है जिसने गाड़ी बनवाई है, और आप लोगों ने जो ये तगड़ा काम करा भाई, जिसे भी करवाना हो आ जाओ यहाँ पे, है नी। तो भाई अब यहाँ ऑटो डायमेंशन में हम बैठे हुए हैं, और जिनका भाई ये पूरा सेटअप है वो भैया बैठे हुए हैं हमारे। हेलो, कैसे है सब? फर्स्ट क्लास ही है, और ये गाड़ी देख के तो और बढ़िया हो गए होंगे। ये बड़ी जबरदस्त गाड़ी बनवाई है आपने ये दोनों ही, और क्रेटा जो भी हम दिखा रहे थे ना वो तो है ही भैया की है, उसमें भैया बड़ा जबरदस्त काम कर रखा है, और पूरा प्रॉपर ऑडियो ऑडियो तो कान वान तगड़ा करने वाला काम है। तो भैया एक बार आप लोकेशन और वो सब बता दो। हम ऑटो डायमेंशन आपका है साइड 4 साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में, नियर बाय आर्मी विहार है, और पासपोर्ट ऑफिस भी है बराबर में। वैसे मैं ये भी पूछना चाहूंगा भैया, ये काम आपने कब स्टार्ट किया था गाड़ियों का और इसका ऑटो डायमेंशन कब सेटअप? मैं फील्ड में तो बहुत पहले से हूं, मगर ये स्टोर खोले हुए हो गए मेरे को 6 महीने का। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये गाड़ियां जो ये स्कॉर्पियो है वो तो मतलब जिनकी भी बनी हुई है वो तो कंपटीशन लेवल है। अच्छा, हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट है। तो मतलब लोग यहां पे ज्यादातर क्या चीज करवाने आते हैं भैया? ये डैम्पिंग का भी अपना ही काम है, जो डैम्पिंग वगैरह डैम्पिंग तो उनमें करनी पड़ती है ना, जब इतना लाउड सेटअप और इस तरह के सेटअप्स में तो करनी पड़ती है। बेसिक सेटअप्स में भी हम डैम्पिंग करते हैं। नहीं भैया ओवरऑल बहुत बढ़िया लगा स्टोर विजिट करके, और कोई नई नई गाड़ी आएंगी तो जरूर आप हमें बताना, तो आएंगे उस चीज में बता दूंगा। जैसे भी लोकेशन मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये है कि कोई कांटेक्ट नंबर आप बोलोगे तो मैं डाल दूंगा, कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूं। हां वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लोकेशन के साथ, ठीक है। और भाई स्टोर विजिट करना, देखना भाई यहां पे गाड़ियों का बहुत तगड़ा काम रखा है, और आप लोगों को करवाना होगा ना जल्दी आ जाना भाई यहां पे काम करवाने, ठीक है ना। चलो भाई अगली वीडियो में मिलते हैं, और भैया बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलो बाय बाय।